मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार शाम अचानक आईएसबीटी क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी के पास झुग्गी झोपड़ियों में दौरा किया और वहां रह रहे मजदूरों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने मजदूरों के परिवारों को कंबल भी वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मजदूरों से उनका हालचाल भी जाना। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठंड बढ़ रही है, इसलिए सभी जगह जहां प्रवासी मजदूर या झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां कंबलों का वितरण किया जाए। साथ ही आईएसबीटी और आसपास के क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था भी की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएसबीटी का भी निरीक्षण किया। आईएसबीटी में सफाई व्यवस्था, सुरक्षा और विद्युत के बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी के परिसर के दुकान संचालकों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी में चाय पी और यात्रियों का हालचाल भी जाना। लेने पहुंचे कुछ लोगों ने कंबल वितरित भी किया, आईएसबीटी का मुआयना भी किया। आप लोग आपने किस तरह से निर्देश दिए? धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है और ठंड का प्रकोप ज़्यादा है। ऐसे समय में जो हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो उनके पास पर्याप्त उनको सबको कंबल रजाइयाँ या अन्य जो जा सकते उनको सबको कहा है देखने के लिए प्रदेश के अंदर इस प्रकार का एक अभियान चलाकर सब लोगों की मदद करनी है और साथ में जो रैन बसेरे हैं उनको भी ठीक करेंगे। रैन बसेरों में देखेंगे और पिछले साल भी और इस साल भी, अब क्योंकि ठंड का मौसम है ऐसे में जगह जगह अलाव भी जलाए जाएंगे। ऐसे निर्देश हमने सभी जिलों में कर दिए हैं और जैसे जैसे ठंड पड़ेगी उसी प्रकार से ये सब व्यवस्थाएं भी आगे प्रशासन की ओर से की जाएगी। सर